नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, होली के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही क्रंची और बहुत ही आसान है ये बनाने में। इसको आप बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एक महीने के लिए। इन्हीं सब रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के बिस्किट, वो भी बिना बेक किए हुए। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, ज़रूर बनाइएगा आप। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और उसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने ये डाला है नारियल का बुरादा। नारियल को आप घर में भी मिक्सी में ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट से भी ये मिलता है। तो 1/2 कप मैंने डाला है और ये डाला है इलायची का पाउडर और इसमें डाल रही हूँ मैं घी। अच्छा सा खस्ता बनाने के लिए तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाला है। अच्छी तरह से घी को हम मिक्स कर लेंगे। घी को मेल्ट करके डालिएगा, अगर जमा हुआ घी डालेंगे तो क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैंने डाला है पाउडर शुगर। ये मैं वैसे खांड डाल रही हूँ पर आप चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो 4 टेबलस्पून मैंने डाला है। 1.5 कप मैदा में 4 टेबलस्पून जो पिसी हुई चीनी है, पाउडर शुगर या खांड अगर आपको मिल जाए वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको दूध से गूंद रही हूँ। दूध ये है नॉर्मल है, ना ठंडा है ना गर्म। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमने गूंदना है और इसका टाइट डो बनाना है। डो को ज़्यादा सॉफ्ट मत कीजिएगा, टाइट ही रखिएगा। और अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे। इसमें जो नारियल का चूरा है, नारियल का जो बुरादा है, उसे ज़रूर डालिएगा क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसे स्किप मत करना। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको थोड़ा मसल लेते हैं और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके और इसको हम बेलेंगे। अगर बाय चांस आपका डो थोड़ा सा लूज हो जाए तो आप इसमें सूखा मैदा लगाकर भी बेल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लगा रही हूँ, मैंने टाइट बनाया है इसे। अब हमने बेल लिया और इसको अब हम कुकी कटर से गोल गोल काटेंगे। और इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ये देखिए इतना मोटा आपने बेलना है। तो ये बिल्कुल बिस्किट की तरह लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप नारियल के बिस्किट खा रहे हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है सच में। प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाइएगा इसे। अब यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल और ये है सूरजमुखी का ऑयल लिया है मैंने। इसका स्मोक पॉइंट काफ़ी अच्छा होता है, मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ किसी की। पर यह है कि अगर आपको ये जैसे बहुत ज़्यादा जलता है तेल तो बड़ा स्मेल भी आती है घर में, तो अगर आपको स्मोक पॉइंट वाला चाहिए जिसका ज़्यादा स्मोक पॉइंट हो तो आप सूरजमुखी का तेल ले सकते हैं। वैसे ये जो ब्रांड है ये तो पतंजलि का है, मैंने तो पतंजलि का लिया है क्योंकि मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट पतंजलि के यूज़ करते हैं। अब इसको हमने हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि फ्लेम आपने लो रखनी है। अगर आप फ्लेम को मीडियम या हाई कर देंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे, अंदर से सिकेंगे नहीं, पकेंगे नहीं। तो हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तभी हमने निकाल लेना है, फ्लेम लो ही रखना, बार बार बोल रही हूँ। तो देखिए नारियल बिस्किट बिना बेक किए हमारे तैयार हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।